देश में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है। एक तरफ हम कोरोना के कुल मामलों में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गए हैं, वहीं लापरवाही में हम नंबर एक देश बनते जा रहे हैं। कोरोना नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, पर जहां बात आती है चुनाव की या आस्था की, तो भारतवासी या कहीं की खासकर नेता सब कुछ भूल जाते हैं और बेझिझक कोरोना के प्रति लापरवाही कर जाते हैं। ऐसे समय जब देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया आधी से अधिक खत्म हो चुकी है, बीते करीब 15 दिनों में यहां कोरोना के पॉजिटिव मामलों में करीब दोगुनी वृद्धि हुई है। वैसे पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में तो चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग की तारीख घोषित किए जाने के पहले ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था। चुनाव आयोग की ओर से तारीखें घोषित होने के बाद जोर शोर से प्रचार शुरू हुआ और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती भी देखी गई। यही कारण है कि पिछले 14 दिनों में केसों में भारी इजाफा देखा गया है। वहीं चुनावी राज्यों में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां कोरोना मामलों में 378% उछाल आया है। यहां कोरोना के केसों की संख्या 30,230 तक पहुंच गई है। राज्य में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसका आखिरी और अंतिम दौर 27 अप्रैल को खत्म होगा। चुनाव आयोग पोलिंग सेंटर्स में पूरी एहतियात बरत रहा है। शरीर का तापमान लिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया है और वोटरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। लेकिन प्रचार के दौरान ना तो पार्टियां और ना ही नेता और उनके समर्थक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए हैं। कोरोना संकट की विकरालता को आंकते हुए चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो प्रत्याशी और स्टार चुनाव प्रचारक कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके प्रचार पर बैन लगाया जा सकता है। वैसे ये अलग बात है कि आयोग की ओर से ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब चुनाव की आधी से ज्यादा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कोरोना की धज्जियां उड़ चुकी हैं। कोरोना केसों के मामले में अन्य राज्यों की स्थिति भी बंगाल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। असम में केसों में 331% का इजाफा देखा गया है। तमिलनाडु में भी कोरोना केसों में 173% इजाफा हुआ है। वहीं पुडुचेरी में पिछले 14 दिनों में केस 173% की रफ्तार से बढ़े हैं। दक्षिण के राज्य केरल में पिछले 14 दिनों में नए केसों में 84% का इजाफा हुआ है। गौर करने वाली बात ये होगी कि कोरोना अब और कितनी रफ्तार पकड़ेगा और कोरोना की धज्जियां उड़ाने वाले कब कोरोना के प्रति सतर्कता बरतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।